गाइस, वेलकम बैक टू हुमास वर्ल्ड। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं मलाई वाला जो दूध बच गया था, मक्खन वाला जो बेसिकली दूध था, उससे मैं कुछ रेसिपी बनाऊंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी। बड़ी ही मज़े की बनी थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा नेस्कैफे का जो डब्बा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तो हम जुगाड़ू लोग उसमें से भी निकाल लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डालकर और थोड़ी सी एक चम्मच चीनी मैंने डाल दी, और उसको मैं अच्छे से शेक कर लूँगी और पूरी की पूरी इसमें से जो कॉफ़ी है वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक मिक्सर जार में। उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच और चीनी मिलाऊँगी और थोड़ी सी कॉफ़ी, जितनी आप पीना पसंद करते हो, और थोड़ा सा ही मैं डालूंगी इसमें गर्म पानी। आपको इसको इतना फेंटना है कि इसमें कॉफ़ी ना बच के ये फ्रोथ बन जाए, जैसे झाग होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बन जाए। 5 मिनट लगातार बनाने के बाद जो है ये मेरा कॉफ़ी एकदम ख़त्म हो गई थी मिक्सर जार से, और बिल्कुल झागम झाग वाली ये बन के तैयार हुई थी। इतनी ये जो हमारी कॉफ़ी है हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे मैंने किया था, एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, तो आप भी सेम ऐसे ही कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, हमारा दूध भी ठंडा हो जाएगा अगर इसके चक्कर में लगे रहे। तो पहले दूध गर्म करने के लिए रख दीजिए और इतनी हमारी कॉफ़ी भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बन गए ना एकदम झाग, इसमें इतनी सी भी कॉफ़ी नहीं बची थी। ये देखिए अब मैं इस दूध में इसको डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी, और जो बचा हुआ जो कॉफ़ी का फ्रॉथ था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये रही हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।